WWE के तीन सबसे सैड मोमेंट्स जो देख के फैंस भी रो पड़े थे, और लास्ट वाला सैड मोमेंट तो सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाला था। नंबर 3 दोस्तों, 2014 में सेथ रॉलिंस जब अपने ही भाई रोमन रेंस के पीठ के ऊपर चेयर से बार करके द शील्ड टीम को तोड़ा था, और उसके बाद अपने दोनों ही भाई को जैसे बेरहमी से मारा था चेयर से, ये देख के WWE के हर एक फैंस तो बहुत ही ज्यादा शॉक में थे, और कुछ कुछ फैंस तो रो भी पड़े थे। नंबर 2 दोस्तों, 2017 में द शील्ड टीम फिर से रियूनियन हुआ था, WWE में द शील्ड टीम को फिर से देख के फैंस तो बहुत ही ज्यादा खुश थे। लेकिन दोस्तों 2018 में जाके रोमन रेंस की गैर में ने अपने ही भाई सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक करके द शील्ड टीम को फिर से तोड़ दिया था, और वो बहुत ही बेरहमी से सेथ रॉलिंस को मार भी रहे थे। ये देख के तो वहाँ पर मौजूद हर एक फैंस बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए थे, और कुछ कुछ फैंस रो भी पड़े थे। नंबर 1 दोस्तों, 2018 में रोमन रेंस जब अपने लुकेमिया कैंसर जैसे बीमारी की वजह से WWE के छोड़ के जाने वाले थे, वो मोमेंट था WWE के सबसे ज्यादा सैड मोमेंट। WWE के हर एक फैंस तब रोमन रेंस के लिए प्रे कर रहे थे, रोमन रेंस जल्दी से ठीक हो जाए, तब उनके लिए हर एक फैंस के आंखों में आंसू था।